सरकार नूं इहदे ते कानून बनाउणा चाहीदा, सजाए मौत दा ही कानून होवे। जिहड़े हुण तिकर दोषी पकड़े ने उहनां नूं जिहड़ी हुण तिकर सज़ा नहीं दित्ती, उह जेलां 'च बिठाए होए ने, उहदे कारण ही इह घटनावां वापरनियां ने। बीते दिनी श्री दरबार साहिब विखे हुई बेअदबी का मामला लगातार वधदा जा रहा है। एक पासे मौके ते मौजूद संगतां वल्लों दोषी नूं मौके ते ही सोधा ला दित्ता गया, दूजे पासे हुण अजिहे दोषियों खिलाफ मौत की सज़ा का कानून बनाउण की मंग भी जोर फड़न लगी है। बेअदबी मामलों ते बोलदिआं किसान आगुआं ने हुण अजिहे दोषियों नूं सज़ा देण लई मौत की सज़ा का कानून बनाउण की मंग कीती है। किसान आगू मनजीत राय अते बलबीर सिंह राजेवाल वल्लों जिथे इस बेअदबी की घटना की निखेधी की गई है, उत्थे ही सरकार कोलों इस खिलाफ कानून बनाउण की मांग भी की गई है। किसान आगुआं ने पिंडां अते शहरां विच वसण वाले सिख जगत नूं गुरु घरां विच सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध करन दी अपील भी की है। श्री दरबार साहब विखे गुरु साहब की बेअदबी की घटना होण जा रही सी, जिहड़ा जिसनूं उत्थे दे सेवादारां ने संभाल लिया और सिख संगत ने जिहड़ा दोषी सी उहनूं सज़ा दे दित्ती। इस तरह अज कपूरथला जिले में भी इस तरह की घटना वापरी। इन घटनावां का बहुत दुख होया सारे सिख जगत को, मैं ते मेरे साथी असीं सारे इहदी निंदा करदे हां और मंग करदे हां कि सरकार सख्त तों सख्त कानून बनावे, जिहड़े इहो जिहे लोक ने और उहनां नूं वध तों वध सज़ा दित्ती जाए। इस गल का ख्याल रख्या जाए कि पंजाब में माहौल खराब ना हो, सारे पिंडों में वसण वाले शहरों में वसण वाले सिख जगत को अपील है कि गुरु घर गुरु साहब की सिक्योरिटी का ठीक तरह प्रबंध किया जाए। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। सतसंग जी, ये जी गल हरिमंदर साहब बेअदबी की घटना हुई हूँ तो बच गई कह दौ, और उस वेले उन्हें पकड़ के दोषी को सज़ा दी गई संगत वालों। मैं समझदा भी ये कितने ना कि सरकार की ढिल है, जेडे उत्थे इन्हां दी सिक्योरिटी अपनी सी एस सी पी दी ढिल है, इदां दे मौके क्यों बार बार दिंदे ने, इन्हां नूं थोड़ा सख्ताई नाल पेश आना चाहिए। और मैं समझदा कि सरकार नूं इहदे ते कानून बनाउणा चाहिए, सजाए मौत का ही कानून होवे। जिहड़े हुण तिकर दोषी पकड़े ने उहनां नूं जिहड़ी हुण तिकर सज़ा नहीं दित्ती, उह जेलां 'च बिठाए होए ने, उहदे कारण ही इह घटनावां वापरनियां ने। सरकार नूं चाहिए इहदे सजाए मौत का ही कानून लियावे, जिहड़ा साडे परम पिता गुरु की पग नूं हत्थ पावे उहनूं कदे ही ना बख्शिया जावे। सो यह मेरी बेनती है। मैं यह भी नाल ही बेनती करांगा, जिवें राजेवाल साहब ने कहा कि नगरां दे विच गुरु घरां दी सिक्योरिटी का इंतजाम सारे नगरां वाले लोग करो, पहरे दिओ, पर साडे गुरु की जे कोई पग नूं हत्थ पाउंदा उहनूं बिल्कुल ही बख्शिया जाएगा। इन्नियां कु बेनतियां ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतिह। किसान आगुआं ने दोष लाया है कि इस बेअदबी की घटना के नाल सरकारां दीआं नलायकियां सामने आईआं ने। उन्हां दोष लाया कि लीडर अजिहे लोकां दा शुरू तो ही पक्ष पूरदे आए ने, जिस कारण इन्हां लोकां दी अजिही हिम्मत हुई कि उह हुण श्री दरबार साहिब विच वी वड़न लगे ने। उन्हां अपील की कि अजिहीआं घटनावां नाल पंजाब दी शांति नूं भंग ना कीता जावे। इस लई किसान आगुआं वल्लों सिख संगतां नूं गुरु घरां दी राखी करन दे नाल नाल एकता बनाई रखण दी अपील भी की गई है। कल जो श्री दरबार साहब विखे एक बड़ी ही मनभागी घटना वापरी, बेअदबी करन दी कोशिश, कोझियां साजिशां जो पंजाब दी शांति नूं लांबू लाण दी कोशिश की गई, सो अज कपूरथला जिले दे विच उही घटना नूं अंजाम दिता गया। उस तरह की जो दोनों जगह पर जो उन्हां नूं मौत दे घाट उतारिया गया, ये असी सिख जगत वालों उन्हां वीरां दा धन्नवाद भी करते हैं जो मौत दे ये सब तो बड़ी नलैकी सरकार दी सामने आई है, जो सरकार हुण तक उन्हां लोकां दा पिट पूरदी रही है जिहड़े इस व्याप्तियां विच शामिल हुंदे रहे आ। सो वड्डा वधिया फैसला मौके ते जो चाहे दरबार साहब उन्हां ने सज़ा दित्ती ते चाहे अज कपूरथले दित्ती, सो आने वाले समय च भी सरकारां नूं इह गल समझ लेनी चाहीदी है। जिस तरह राय साहब ने कहा भी कोई इस तरह का कानून लिया के इस तरह की सज़ा तय कर देनी चाहीदी है, जो जो सौ बार तो क्या हज़ार बार सोचे कोई इस तरह की घटना वापरे ना। सो सारे ही पंजाब के पिंडा 13,000 पिंडा यह बेनती आ, जिहड़े उत्थे दे गुरद्वारा साहब हैगे आ उत्थे पहरे लाओ, अपने गुरु की आप राखी करो, क्योंकि जिहड़ा देश का जालम राजा आ वह बड़ा ही निर्दयी आ। इस तरह दी घटना ना वापरन, साडे पंजाब च शांति रहे, अशांति ना फैले। सो इन्नियां बेनतियां, पूरे पंजाब नूं एकमुठ होण दी लोड़ आ ते एकमुठ होकर गुरु साहिबाना दे गुरद्वारिआं
की राखी आप खुद पहरेदारी करके पिंड के लोग अगे आन। सो इन बेनती धन्यवाद। दस दिए कि बीते दिन श्री दरबार साहब विखे रह रास के पाठ समय एक सिरफिरे ने बेअदबी करने की कोशिश की सी, जिसनू के मौके पर मौजूद सिख संगतां अते सेवादारां वल्लों दबोच लिया गया सी। जिस तों बाद सिख संगतां दा गुस्सा जिहा भड़किया कि दोषी नू मौके पर ही मौत दे घाट उतार दिता गया। फिलहाल इन्हां घटनावां तों बाद सिख संगतां विच रोस की लहर पाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।